आप सभी का स्वागत है माइंड काफ इन द गेमिंग के एक और भाग में। मैं हूँ एक एन 22। हम खेल रहे हैं स्काई फैक्ट्री 3। तो पिछले भाग में हमने क्या बनाया था, हमने स्मेल्चरी बनाई थी एक, और उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी है, ठीक है। और ये देखिए, हमने स्टोन एज कम्प्लीट कर ली है, सिर्फ ये बचा था सीव मैश को हमको एनचैंट करना था, और वो मैं अभी हल करता हूँ। और ये देखिए, मैंने एनचैंटमेंट टेबल यहाँ पर लगा दिया है, और पास में बुक्स भी लगा दी है ताकि एनचैंटमेंट लेवल बढ़ जाए इसका थोड़ा सा। देखें, हैमर एनचैंट कर सकते हैं, अनब्रेकिंग एफिशिएंसी, ओके नॉइस, ठीक है, ओके। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है इसमें नहीं, और इसमें बहुत सारी बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे पास ये आयरन सीव है, मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, ओके, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है फ्लिंट और डायमंड से बनी हुई एक एक्स, फ्लिंट पिक एक्स, ओके। तो ये हमारी आयरन स्टिफ्ट मैश आ गई है, ओके, ठीक है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं। हमको थोड़े से लैपिस चाहिए रहेंगे, और हमारे पास काफ़ी सारे लैपिस इकट्ठा हो गए हैं। गुड गुड नाइस, ओके। तो कहाँ गई हमारी मैश, ये देखिए, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इसका आप। 12वां लेवल है हमारा, 22वां लेवल है, तो उम्मीद करते हैं कि आसपास के सीव एफिशिएंसी फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो हम थर्ड लेवल तक इसको कर लेते हैं। 1 2 3 4 कितने चाहिए, 3 चाहिए हमें इसको, ओके नाइस, हो गई एनचैंटेड, नाइस। क्या चेंजेस आए हैं इसमें, एफिशिएंसी बढ़ी है बस इसकी सेकेंड लेवल तक, गुड। तो इसे हम प्लेस करते हैं यहाँ पर, वेट वेट व्हाट, इसे लगा नहीं सकता मैं, व्हाई व्हाई सो, ओके कम ऑन, वहां पर कुछ रखा ही नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर कुछ रखा हुआ है। लग गई है हमारी एनचैंटेड इसी पर, इसमें कुछ डिफरेंस पता नहीं रहा है ये कि कुछ है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हमारा ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया एक, अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारी स्टोरेज कंप्लीट हो गई है, गुड। अब हम है फार्मिंग एज में, हमें बनाना है एक वाटरिंग केन, और वो मैंने पहले ही बना ली है। वाटरिंग केन यानी कि पानी डालने के लिए जो केन रहती है एक पेड़ पौधों में, वो बनानी रहती है। और ये रही वो मेरे पास, और ये भी खाली है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बाउल, ये बेसिक है, एक बाउल जो रहता है ये चाहिए। और उसके बाद स्टोन ले सकते हैं आप, ठीक है, स्टोन को जमाइए आप ऐसे इस उसमें, और बीच में रखिए आपका बाउल, तो ये बनता है आपका वाटरिंग कैन। और ये खाली है तो इसे फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये पेड़ पौधों में पानी के लिए, उसकी ग्रोथ जल्दी होती है इससे। तो जैसे आप पानी के पास जाइए तो इसको फिलअप कर लीजिए, कि देखिए नीचे जो आलू के पास में एक कैन है वो फिलअप हो रही है, गुड। तो दोनों फिलअप कर लेते हैं हम, आसान है बनाना तो वाटरिंग कैन, तो गुड हो गई। ओ तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ये मैंने एसेंस लगाया था, यहाँ सीड लगाया था डर्ट ब्लॉक का, वो है। तो हमारा कौन सा, ये आलू पक गए हैं इधर के बाबू भैया, आलू पक गए, ओके। तो ये देखिए, इसको आप वाटर कर सकते हैं, तो साइड में आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं वहाँ पर पानी कम हो रहा है इसमें, और जैसे जैसे आप इसको पानी देंगे वैसे वैसे ये बड़ा होगा जल्दी। और वाटरिंग कैन अलग अलग रहती है कैपेसिटी के हिसाब से, कमान ये देखिए ये बड़ा हो गया, ओके। तो ये काम आता है वाटरिंग कैन, तो वो हमने बना लिया है। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग एज का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बाहर से देखें कैसे दिखती है, ओके नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, ऑलराइटी ठीक है। वाटरिंग कैन हमारी हो गई है, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे रख देते हैं इसमें, ऑलराइट ठीक है। और सेकेंड है कैप्चर अ काउ इन अ जार, ओके, यानी कि आपको एक गाय को एक जार के अंदर कैद करना है। और कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये चैलेंज पहली बार पढ़ा था तो मैं सोच रहा था व्हाट इज गोइंग ऑन हियर,
तो चलिए, इसके लिए आपको चाहिए रहता है कि जार जिसमें आप आपकी गाय को कैद कर सकें। और वो बनाने के लिए वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको एक ओक वुड प्लैंक चाहिए, कुछ क्लियर ग्लास चाहिए और एक बकेट दूध का। और दूध ये देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करा है थोड़े एनिमल्स को यहाँ पर, ताकि यहाँ पर और स्पॉन हो चुकी, क्योंकि पिछले भाग में काऊ जो थी वो स्पॉन नहीं हुई थी। और ये देखिए हमारे पास आ गया है दूध, और यहाँ पर मैंने एक लगा के रखी है हमारी वर्क स्टेशन। इसलिए आप ग्लास को ऐसे जमाइए, बीच में आपका दूध की बाल्टी रखिए और ऊपर रखिए एक मिल्क प्लैंक रखिए, और ये आपका मिल्क जार, दूध की बॉटल हमारी आ गई है। ओके, तो ये किस लिए करते हैं? क्योंकि आपके पास इन्फिनिट सोर्स आ जाता है, एक सोर्स आ जाता है दूध का, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है? काउ इन अ जार। ओके, काउ इन अ जार, काउ इन अ जार, ये है। और ये इसकी विधि है। सबसे पहले आपको चाहिए एक एनविल, एक काउ और ये मिल्क जार। तो मिल्क जार नीचे रहेगा सबसे, उसके ऊपर काउ, और जब आप एनविल को उस काउ के ऊपर गिराएंगे तो वो प्रेशर से सीधे आ जाएगी आपके मिल्क जार के अंदर। तो ये कुछ हार्ड है पर करना तो पड़ेगा हमें, है ना? यस, ओके, हे व्हाट्स अप गूगली आइस पिग। ओके, तो चलिए हमको एनविल लेकर आना है। ये अभी तक का एकदम सबसे ऑड चैलेंज है इस माइन का, फैक्ट्री थ्री का, स्काई फैक्ट्री थ्री का। यानी किसने क्या सोचकर बनाया होगा ये चैलेंज, यू नो? ओके, तो हमें बनाना है एनविल, और एनविल के लिए आपको आयरन ब्लॉक चाहिए रहते हैं और चार आयरन इग्निट्स, और ये आ गई हमारी एनविल। और एनविल जो है वो ग्रेविटी डिफाइन है, तो अगर आप इसको कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे प्लेस करते हैं और उसका नीचे से वो उस ब्लॉक को हटाते हैं तो वो सीधे उसके सर पे गिरती है, बूम। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ भी हैं तो इन्हें मुझे हटाना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि मेरे को सिर्फ एक काऊ चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रास्ता बंद कर देता हूँ इनका। दिस इज द लिमिट। ओके, हेलो, ओके, नहीं तो ये यहाँ पर धूमधड़ाका मचाएंगे। ओके, ये हो गया, अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखता हूँ। अब आ जाओ काउ हमारे पास, कम ऑन फॉलो मी। ओह नो, डोंट क्लाइम, डैम इट, गो देयर। ओके, नाउ स्क्वीज हिम। अब ये देखिए उसके अंदर गिर गई है। अब क्या करना है, हमको सिर्फ एनविल लेना है, उसके नीचे बॉटल है और हम ये करने वाले हैं। यस, सॉरी काओ, वैसे तुमको दर्द नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो एनविल लिया और यहाँ रखिए, बूम। इसकी आवाज़ बड़ी शानदार आती है, टन कर। और ये देखिए हमारी छोटी सी काऊ, उसके अंदर आ गई हमारी चार में। ओह, है इसमें, देखते हैं, मैंने तोड़ तो नहीं दिया इसे। हाँ है, मुझे लगा काऊ वापस बाहर निकल गया। वो देखिए क्यूट सी छोटी सी काऊ है उसके अंदर, जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी। वो देखिए जैसे ही आप इसे रखते हैं तो ऊपर आपको दिखा रहा होगा मिल्क स्टोर्ड 8000, मैं से अभी 200 होने वाला है। ओके मम्मा गुड, ओके ठीक है, तो हमने ये बना लिया है और हमने एक चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। बहुत आसान है, बस आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आयरन इकट्ठा करने में, फिर उसके बाद आपको दूध तो ऐसे ही मिल जाता है, काऊ वगैरह स्पॉन करती है आपके इस छोटे से आइलैंड पे। तो ओके, तो ये काऊ हम इसे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम यहाँ हमारी मदद करने के लिए, कि वो हमें दूध सप्लाई कर रही है। ओके, तो हम ये जो बीच में है इसे हटा देते हैं, और देखिए काऊ भी स्पॉन हो गई है, पिग्स बहुत, शीप भी बहुत सारी हो गई, चिकन्स भी। ओह मेको माइन वाइनिंग शुरू करनी थी। ओके ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, हेलो पिग। ओके
तो मैं तुम्हारी आपकी सबके दोस्तों को लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारा काऊ इन जार। अब ये काऊ उस जार में दूध देती रहेगी और हम वो कलेक्ट करते रहेंगे। तो उसे हम रखते हैं, कहाँ पर रखें? वेयर शुड आई पुट दिस? यहीं रख देते हैं हमारी पलंग के पास में, ताकि हम रात में दूध पीकर सोएं, है ना। ओके, कैसे कलेक्ट करते हैं वैसे इसको पूरा फिलअप होने पर? मे बी, आई डोंट नो। ओके, तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया है टास्क, गुड। कैप्चर अ काऊ इन अ जार, वेरी यू। ओके, प्रिपेयर अ फार्मिंग स्पेस फॉर सेवरल क्रॉप्स। ओके, तो हमें एक फार्मिंग स्पेस बनानी थी और वो मैं बना चुका हूँ। ये हमारी फार्मिंग स्पेस है, यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया। ओके, क्राफ्ट एन इन्फीरियम सीड। ओके, इन्फीरियम सीड बनाना है, ये मैंने बना के देख लिया है कैसे बनाते हैं। इन्फीरियम मुझे मिल रहा है, ये देखिए इन्फीरियम एसेंस मुझे मिलता है। जब भी मॉब्स मरते हैं तो वो थोड़े बहुत इन्फीरियम ड्रॉप करते रहते हैं, और अभी भी शायद उन्होंने करे होंगे, देखते हैं। और मैंने थोड़ा अपना एक्सटेंड, ओप्स, हाँ ये देखिए डाई। ओ राइटी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर दो मॉब फैन लगा दिए हैं दोनों तरफ, और मुझे बहुत बड़ा बनाना है, क्योंकि जो रेट ऑफ ये चीज़ें का ड्रॉप है वो बहुत कम हो रहा है। hey, आ जाओ, कम टू। ओ Why? Shit! I dropped that thing. मैंने वो green loot गिरा दी. Damn it! Hey. Okay, ठीक है. चलिए. ये हो गया. कोई नहीं, होता है, चलता है. अगली बार से ध्यान रखेंगे अब. ठीक है. कहाँ गई वो? Plate. Okay, इसे हटाएं. इसे भी हटाएं. Okay. और इसे लेकर ऊपर लगाएं, शिट इतना सारा। ओके, ये यहाँ लगा दिया हमने, इतनी अच्छी। एक तो बड़ी मुश्किल से लूट यहाँ पर जमा होती है और वो गिरा दी। चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएगी हमें जो लूट बैग्स हैं हमारे, ठीक है। तो एसेंस, ये देखिए इन्फीरियम एसेंस है, इससे आपको हमको सीड बनाना है। और वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ, कहाँ है ये रहा, इन्फीरियम सीड्स हमको बनाना है। तो कैसे बनाते हैं इन्फीरियम सीड्स? ये भी तीन चार लेवल के हैं, तो हमको टीयर वन बनाते हैं। हम टीयर वन इन्फीरियम सेल्स, आपको इन्फीरियम चाहिए और नॉर्मल सीड्स चाहिए हमको। ओके, इन्फीरियम हमारे पास काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए एक नॉर्मल सीड, ये रहा, गुड। ओके, तो आप इन्फीरियम सीड यहाँ पर नॉर्मल सीड्स लगाइए और उसके आसपास इन्फीरियम जमा दीजिए। तो ये आ गया हमारा इन्फीरियम सीड, दो सीड्स आ गए हमारे पास, गुड। हम क्या हटाएं, ये हटाते हैं। ऑलराइटी, तो चलिए हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया है, गुड। और बाकी के बचे हुए मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, इन्फीरियम सीड्स भी कंप्लीट हो गया, क्राफ्ट एन इन्फीरियम सीड। ओके, ये हो गया है। टीयर वन या टीयर टू ऐसा बोला नहीं है, तो हमने टीयर वन बना लिया है। ओके, मेक अ मैटक फ्रॉम टिंकर्स कंस्ट्रक्ट। ओके, तो मैटक बनाना है हमको, और वो क्या होती है, कहाँ गई वो, पैटर्न्स कहाँ है हमारे? ओके, दिस वन, ये है मैट। तो इसके लिए आपको चाहिए एक फ्लिंट हेड, एक इसको भी क्या पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे पास रखा हुआ है, मैंने बना के रखा था इन्हें। कहाँ गया वो, किस में रखा था? नो, हाँ इसी में रखा है, ये रखा है वुडन, ये देखिए। ओके, हम बना ही लेते हैं ना इसको, इसको यहाँ रखो। ओके, दिस वन, वेट सेकंड, पहले मैं थोड़े से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, गुड, ठीक है। तो ओके, इसको रखें और इसके ऊपर दो, ये है इसका हेड, शवल हेड, ये आ गया हमारे पास। अब हमको चाहिए एक
रॉड रॉड भी आ गई है हमारे पास। ठीक है, पहले मैं इसको रख देता हूँ रॉड को, वेट। और हमें चाहिए एक हेड, तो ये आ गया हेड हमारे पास। अब इसको आप जमाइए आपके टूल बॉक्स में, हमें ये रहा, इसमें रखें, इसको यहाँ रखें और हेड को यहाँ रखें, ये बन गया हमारा। गुड, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है, हमने एक और चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। ओके, स्टार्ट अ फूड फार्म एंड इन्फीरियम एसेंस फार्म। ओके, हमें एक फूड फार्म बनाना है और इन्फीरियम एसेंस फार्म बनाना है, तो हमको उसके लिए चाहिए एक हो, और हमारे पास इन्फीरियम सॉरी हो है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए फार्म बनाने की शुरुआत करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लगाते हैं हमारे इन्फीरियम सीड्स और यहाँ पे लगाते हैं ये क्या कहते हैं इसे, नॉर्मल वाले सीड्स, और वो जो वहाँ पर है उसे मैं ट्रांसफ़र इस तरफ करने वाला हूँ। और मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं, तो वो भी मैं देखता हूँ कौन कौन से हम लगा सकते हैं। ओके, मेलन सीड्स है, पानी चाहिए उसके लिए, और राइस सीड्स है, गुड। तो इसके लिए पानी चाहिए रहेगा सबके लिए, तो मैं एक पानी भर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देंगे इसके बीच में, शवल है, गुड। ओके, देखिए राइस सीड्स लगा के इसमें कैसे लगते हैं। ओके, राइस सीड्स, तो पम्पकिन हम लगा देंगे, पोटैटो हमने लगा दिए हैं, शुगर केन भी लगा दिया है, बाकी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कैरेट भी लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए राइस लगा के देखते हैं, चावल। ओके, राइस भी हमने लगा दी है, गुड। ये हमारी इन्फीरियम है, वो भी हमने लगा दिया है। चलिए, हमने हमारा जो फार्म है, मैं वो ऑफलाइन इसे मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए स्टार्ट अ फूड फार्म एंड अ इन्फीरियम फार्म। ओके, इन्फीरियम एसेंस फार्म, तो हमें इससे एसेंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डर्ट एसेंस लगाया है, तो इसे आप जब तोड़ते हैं तो आपको ये देखिए एसेंस मिलता है, तो एसेंस से आप एक ब्लॉक बना सकते हैं डर्ट का, अगर आपके पास इनफ एसेंस है, 9-8 एसेंस चाहिए नहीं थे शायद आपको इसमें बनाने के लिए। ओके, तो ये भी हमारा हो गया है, और ये है फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रूव टू द वर्ल्ड दैट सैंड ग्रोज शुगर कैन फास्टर देन डर्ट विद अ ब्लॉक ऑफ स्नैड। स्नैड है ये, मैं शुरू में भी मेरे को लगा ब्लॉक ऑफ सैंड, पर मैं इसको पढ़ने में गलती कर रहा था, ये स्नैड है। और स्नैड कैसे बनती है, देखिए इसमें मैंने 2-3 ब्लॉक लगा के रखे हैं स्नैड के, तो वो कैसे बनाते हैं, आपके ऊपर चाहिए थोड़े से डर्ट, सॉरी ये हमारा सैंड ब्लॉक है, ठीक है, ये भी सैंड ब्लॉक है। ओके, तो सैंड ब्लॉक पे शुगर के गन्ना जो है वो लगता है, पर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको बस 2 ब्लॉक्स रखिए सैंड के, एक के ऊपर एक, और आपको मिलता है स्नैड, और स्नैड को लगा दीजिए उसकी जगह पर दूसरी, यहाँ पर देखिए सैंड है यहाँ इस ब्लॉक पे, और उसकी जगह लगाइए आप स्नैड। हे डोंट, ओके, ये हमने लगा दी स्नैड, और इसके ऊपर आप आपका गन्ना लगा दीजिए शुगर केन। ओके, तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारी फसल पक चुकी है। गुड, नाइस, जो लेवल है उस स्पीड लेवल है बढ़ने का उसका, वो बढ़ जाता है स्नैड से, इसलिए तो हमने वाला भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। गुड, तो चलिए इस भाग में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, तो मैं आपको अब थोड़ी सी दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। ओके, ये हमारा मिल्क जार भरा गया है क्या, पूरा नहीं, अभी भरा रहा है। ओके, इसको कलेक्ट कैसे करते हैं देखें। ओके, ठीक है, सोर्स थोड़ा भरा हुआ रहना चाहिए, तो भरा जाता है ये, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम खोलेंगे हमारे लूट पैक्स। ओके, तो पहले मैं अपना जो इसमें जितना भी चीज़ें हैं ये खाली कर लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि हम क्या हमने हमारे पास आया है, इसलिए मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें।
कुछ ब्लॉक्स रख देते हैं यहाँ पर, बुक को भी की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हटा देते हैं। ठीक है, कुछ पूरा खाली कर देते हैं, हमको सिर्फ लूट बैग चाहिए। ओके, देखिए इसमें से एक रेयर है, बाकी तो कॉमन है। चलिए इसे खोलते हैं। ओके, लेदर मिला है इसमें, गुड। ओ, एक एग, एक जूसर भी मिला है, नाइस। शुगर शुगर बा यानी शुगर मिला है। ये जूसर है, मैं आपको बताऊंगा कि जूसर कैसे यूज करते हैं। अब रेयर खोलते हैं। ओके, पर्पल स्लाइम सैपलिंग, बेकनेटर मिला है, नाइस। स्नो भी मिली है, गुड। बेकनेटर से क्या होता है देखें। ओके, बेकन चीज बर्गर बना सकते हैं आप। एक्सेप्टेड फूड, बेकन मशरूम बर्गर, बेकन रैप डेट्स, चॉकलेट बेकन, पिक बेकन, लीक बेकन सूप, मेपल कैंडिड, कैन डाइड बेकन, कुक्ड पोर्क चॉप, नाइस, गुड। ठीक है, ओके, शुगर मोर, लेदर पैंट्स, एक और बचा है हमारा, इसको भी ओपन कर ही देते हैं। ओके, बैनर मिला है, मैजेंटा, और एक रॉ फिश, गुड। ठीक है, चलिए हम खाने की चीज़ें तो हमने, देखिए मुझे केक भी मिले थे, ये मुझे मॉप ड्रॉप्स से मिले हैं। मैंने यहाँ पर एक कलेक्टर बिन भी बनाया था, पर वो मैंने गलती से तोड़ डाला। हेलो स्कैली, ओ इधर दूसरा है। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी इसकी आंखें क्यों चेंज हो गई। ओके, ठीक है, तो देखिए हमने फार्मिंग एज में काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं। और क्या बचा है, चलिए हमने देखिए, मैंने ये जो फार्म है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पूरा वहाँ पर, और इसे भी इसके पास ही लगा दूंगा, इसको हटाकर। और मुझे मॉप, मेरे जो मॉप फार्म है इसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए मैं मॉप फैन बना रहा हूँ काफ़ी सारे। मैंने 4 मॉप फैन तो लगा दिए हैं, ताकि हमको लूट बैग्स मिले ढेर सारे, और हम बहुत सारी रेयर चीज़ से इक्विप कर सकें, और कुछ अलग अलग चीज़ें बना सकें जल्द से जल्द। देखिए मैंने टेक्सचर भी यहाँ पर अलग दिया है, यहाँ पर हमारा एन्चेंटमेंट टेबल है जो उसका, नाइस, अच्छा लग रहा है, गुड। ओके, मुझे कुछ रेयर चीज़ मिली है क्या, देख लेते हैं। हाँ, मुझे जॉम्बी हेड मिला है, जॉम्बी हेड, तो इसे मैं पहन सकता हूँ, गुड। ये देखे, आई एम अ जॉम्बी नाउ, शिट, हेलो जॉम्बी यार, और कुछ मिला है क्या हमें? ओके, मुझे एक स्केली हेड भी मिला है, ये रहा, तो मैं ऐसे में इसमें रख देता हूँ। ठीक है, और हाँ, जूस कैसे निकालते हैं, जूसर हमारे पास आ गया है, उसके लिए मेरे को एप्पल ढूंढना पड़ेगा। ओके, एप्पल, ये रहा, और आप जूसर रखिए, उसके ऊपर एप्पल रखिए, तो आपको मिलता है एक बॉटल ऑफ एप्पल जूस, नाइस, गुड। आप इसको पी सकते हैं, देखते हैं इससे हमारी जो हेल्थ है, हंगाबार है, वो कम होता है, गुड। ठीक है, ये जूसर है, तो इसलिए जो लूट बैग से इसमें से काफ़ी अच्छी अच्छी रेयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं आपको, और मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स भी मिल गए हैं। कहाँ गया हमारा डायमंड बैग, कहाँ गया? ओके, ये रहे 5 डायमंड्स हो गए, और मैंने इसमें ग्रेवल छानी थी, तो उससे मिले हैं मुझे ये 5 डायमंड। वेट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस, आयरन स्टिफ्ट मैश, ये हमारे मेरे पास कहाँ से आई, इसको हमको लगाना था वहाँ पर, हमने लगाया क्यों नहीं इसे। Let me grab my tools. Okay, good. Iron mash. ये मुझे ड्रॉप मिला है शायद किसी में, maybe. Okay, ठीक है, good. Nice. Snow भी मिल गई हमें. ठीक है, तो चलिए देखिए हमने काफ़ी कुछ तरक्की कर ली है इस चीज़ में। और स्मेल्टर में मुझे ये हमारी रॉड का मैंने कास्ट बनाया था वो रखा हुआ है, मोल्टन, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए इसमें हमें निकल है, मोल्टन कॉन्स्टेंटन, मोल्टन इलेक्ट्रम, लीड, गोल्ड, एल्युमिनियम ब्रास, एल्युमिनियम एंड मोल्टन आयन। ओके, ठीक है, आप इसमें डाल दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और देखिए हमारा जो चेस्ट है ये पूरा फिलअप हो चुका है, लॉट्स ऑफ कोबलस्टोन आ गए हैं इसमें। ओके, तो ये लीजिए हमारा ये
भी तैयार हो गया है, यूज नेस्टिक पेंस टू ऑटोमेट रिसोर्स कलेक्ट रिसोर्स कलेक्शन फ्रॉम चिकन्स। ओके, तो ये हमारा जो फार्मिंग एज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो हमें चिकन नेस्ट बनाने हैं, पेंस बनाने हैं उनके, ताकि वो ऑटोमेटिक अंडे दे सके और उसमें हम उनके अंडे निकाल सके, वही है। ओके, रिसोर्स कलेक्शन जो भी वो ड्रॉप करते हैं चिकन्स, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, चिकन है, बोन चिकन है, एक रूस्टर है, एक लॉक चिकन भी है, ये देखिए बोन वाइट चिकन, और हमारा वो कहाँ गया लॉक चिकन, हेलो, ठीक है वो लॉक ड्रॉप करता है, इसलिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ चिकन्स आपके पास रहते हैं, तो उसको आप उसके एक पैन में डाल सकते हैं और वहाँ से अलग अलग रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं। ओके ड्यूड, ये बैनर है हमारे पास, बैनर को हम यहाँ लगा देते हैं, गुड नाइस। ऑलराइटी, तो चलिए इस भाग में इतना ही। हेलो पिगी, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो चलिए इस भाग में इतना ही, और अगले भाग में मिलूँगा मैं आपसे। अब स्काई फैक्ट्री 3 कर, स्काई फैक्ट्री 3 के अगले भाग में, अगर आपको ये भाग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं माइनक्राफ्ट की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या बोलना चाहता था मैं, बस इतना ही बोलना है मुझे। ओके, आज यहीं पर रात बितानी पड़ेगी लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अब अगले भाग में, देखते रहिए जब तक माइनक्राफ्ट जिंदगी गेमिंग। बाय बाय, सी या।